तो दोस्तों गाइस अस्सलाम वालेकुम। आपने दोस्तों जगहें तो आपने दोस्तों देखो बहुत देखी होंगी और माशाल्लाह एक से एक अच्छी जगह देखी होगी, लेकिन आपने एक गरीब जगह आपने नहीं देखी होगी। जैसे कि बे इंतहा गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो गुजर लोग होते हैं, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी जो है एक पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी जगह में वो जो है बेचारे अपनी ज़िंदगी काटते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा आप, ये सामने जो है ना, ये सामने देखो दोस्तों, ये सामने पहाड़ी है और दोस्तों ये सारा टोटल जो है ना दोस्तों ये पहाड़ी एरिया है। दोस्तों ये सामने देखो पहाड़ियाँ, ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिएगा दोस्तों, ये आपको दिख रही होंगी दोस्तों, ये पहाड़ियाँ हैं सारी, जिसमें कि ये लोग जो हैं बेचारे, ये जो लोग हैं ना, तो ये लोग जो हैं क्या बोलते हैं, ये पहाड़ी के नीचे ही रहने वाले ये आदमी हैं, जिसमें कि ये बेचारे बेरोज़गार हैं और बेचारे बहुत गरीब लोग हैं ये, ताकि इन लोगों को जो है बेचारों को रोज़गारी इतनी नहीं मिल पाती। तो ये बेचारे क्या काम करते हैं, ये जैसे कि इनकी भैंस होती हैं, ये भैंस डंगर उंगर, तो दोस्तों ये इनके ही बेचारे ये लोग जो है पेट पालते हैं। पेट पालने के बाद में जो है दोस्तों फिर इनका दूध पूध बेच करके दोस्तों जो है ये अपना गुजारा ये लोग जो है बेचारे करते हैं। और माशाल्लाह दोस्तों ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा आप दोस्तों, कहीं के मारो ना लगे यार, मुझे कैसे लग रहा है। हाँ दोस्त थोड़ा सुनो, थोड़ा आपका ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। चाची चाची असलाम, थोड़ा सुनो। तो दोस्तों ये जो है ना, जैसे कि इनके ढोर है ना दोस्तों, जैसे इनकी भैंसें हैं गायें हैं दोस्तों, तो ये जो है ना देखो, ये इसमें देखो इन्होंने ये पीने का सिस्टम बना रखा है और ये पानी का सिस्टम भी बेचारों का बड़ा खतरन, यानी कि मतलब एक बहुत एक गरीब जैसा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इनके ढोर जो है ना ये पानी पीते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ये बेइंतहा गरीब आदमी है बेचारे, क्योंकि ये पहाड़ से नीचे को ये इनके घर हैं और इतनी रोज़गारी भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप लोग सब लोग ठीक ठाक बढ़िया बहन जी? तो भैया अच्छा बहन, मैं ये कह रहा हूँ ये जो सब आपके ही है ना? अच्छा माशाल्लाह, तो आपका तो बस यही काम है और इसके सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है ना, है ना? वैसे मैं थोड़ा सारा आप इसके अंदर थोड़ा बोल सकती हैं, शूट कर सकता हूँ मैं आपको, बोल सकती हैं आपको, जैसे कि यानी कि अब हमारा इसके सिवाय कोई काम नहीं है और जैसे कि हम लोगों का यही एक सहारा होता है, हम लोग इनके साथ में मेहनत करते हैं तब जाकर के हमको खाना पीने का सामान हमको रोज भी हमको मिलता है ना? थोड़ा बोलेंगी अच्छा 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 वहाँ पे अंदर में। चलिए ठीक है मैं आता हूँ, मैं थोड़ा इनसे भाई सबसे मैं थोड़ा बात कर लूँ। हाँ हाँ कोई नहीं ठीक है चलो। और जैसे कि ये देखो इनके बेचारों के घर हैं और बहुत मतलब सही जगह नहीं है, इतना मतलब गरीबी का हाल है। ऐ बहन जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे विचार हैं आपके, यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, ज़िंदगी आपकी सही कट रही है? अच्छी कट रही है दीदी। और क्या बोलते हैं जैसे कि ये आपके ढोर उर होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि हर चीज़ का जो है जैसे सामान वामान लाना बहुत मुश्किल आपको हो जाता होगा ना? अच्छा वहाँ से बाइक से जा करके लेकर के आते होंगे? अच्छा अच्छा हैं, ये जो सिस्टम है ना ये इस तरकीब से है, जैसे कि हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना कितनी कम जो है ना बहन रोज़गारी है, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब बहुत गरीब लोग हैं इसलिए। तो दोस्तों ये देखिएगा अभी सामने जो है ये पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी के नीचे को ये दोस्तों ये घर बने हुए हैं और ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, ताकि इन लोगों की जो दोस्तों ये रहने वाले जो है ना दोस्तों, ये यहाँ पे नैनीताल है, नैनीताल से नीचे को जो है ना दोस्तों ये झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे बेचारे ये लोग रहते हैं, ये उसके जस्ट में बिल्कुल ये पहाड़ी है। और दोस्तों इनके बेचारों की हेल्प करो जितनी भी जहाँ तक हो जाए, इनकी हेल्प करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ इनके घर वालों से बात करके। मैंने ये अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं बहुत गरीबी का हाल है और वो ये बेचारे लोग बहुत परेशान हैं,
पर यहाँ पे जो है सही तरीके से जो है यानी कि खाने का पीने का सीजन रजन यानी कि नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है दोस्तों इन लोगों की भी बेचारों की मदद की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं यानी कि इनकी देखभाल की जाए क्योंकि गरीबी को हटाया जाए। तो दोस्तों ये जो है सामने ये पहाड़ी एरिया है जहाँ पे मैं आया था और ये इनके रहने वाले बेचारों के घर हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मैं इनकी जो आगे की सेट है जो ये जिस पहाड़ी के किनारे ये लोग रहते हैं तो वो जगह जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो जो जगह दोस्तों वो ये रही, देखो सामने दोस्तों ये जगह है देखो दोस्तों। लेकिन जगह तो ये बहुत खूबसूरत है लेकिन आदमी जो हैं बेचारे बहुत गरीब हैं, यहाँ के इतने गरीब हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बेचारे लोग हैं वो बेचारे गरीब आदमी हैं, इनकी जो है बेचारों की मदद करनी चाहिए। रमज़ान में मेरा भी दोस्तों रोज़ा है और रोज़े में दोस्तों मुझसे भी अब बोला नहीं जा रहा है दोस्तों। इंशाल्लाह मैं जो है फिर बाद में देखो शाम के टाइम में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। और अम्मा जी ठीक ठाक हैं? यो क्या बना रही हो? अम्मा जी ये बना रहे हैं हम कि यहाँ पे जो है वे रोजगारी कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि इनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए बताओ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी अम्मा है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सिर पे हाथ रखिएगा अम्मा जी। और अम्मा जी ठीक ठाक हैं और कैसे हैं? आपके घर पे कितने फैमिली मेंबर हैं? एक दो लड़के तो हैं मेरे। अच्छा दो लड़के हैं, अच्छा और बेटी? अच्छा और शादी कितनी होगी अम्मी? चलो ठीक है माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी फैमिली है। लेकिन अम्मा आप लोग जो है इस तरीके से घर बनाते हो, आप लोग वैसा घर नहीं बनाते, चलो पैसा नहीं है, पैसा कहाँ होगा हमारे पास, हमारे पास भैंस ये कारोबार ही वही है। तो ये जो भैंसे हैं बस भैंसों को जो है आप लोग सिर्फ बस उनसे ही गुजारा है मुझे? अच्छा ठीक है, बस भैंसे भैंसों को गुजारा है ना? तो दोस्तों लेकिन इनका घर ये छोटा सारा होता है लेकिन बे इंतहा सुंदर होता है और बहुत प्यारा ये जो है बना हुआ होता है दोस्तों, ताकि देखो मैं आपको देखो अंदर से दिखा सकूं। ये देखो बहुत प्यारा घर होता है दोस्तों, ये देखो माशाल्लाह ये बांस का बना हुआ होता है, आपने ऐसा देखा नहीं होगा। और ये बे इंतहा दोस्तों ये मेहनत का घर बना हुआ है ताकि आप लोग भी ऐसा घर देख सकें मेरे ब्लॉक में। तो दोस्तों ये बहुत मेहनत का घर बना हुआ है और बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत सुंदर घर बना हुआ है, ताकि दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा सकूं अपने इस वाले ब्लॉग में। तो दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह चाहे दोस्तों मैं आपको फिर मिलता हूं इंशाल्लाह अपने दूसरे ब्लॉग में। ओके अस्सलाम वालेकुम, दुआए खैर में याद रखना और मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वेलकम आईडी का जो बटन होता है उसको दबाना मत भूलना। दोस्तों आप लोगों का प्यार मेरे दिल के अंदर रहना चाहिए, मेरा प्यार आप लोगों के दिल के अंदर रहना चाहिए। आप जब मुझे सब्सक्राइब करेंगे मैं ताकि आपको ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना करके मैं आपके पास में डाल सकूं और दोस्त मैं आप लोगों के करीब पहुंच सकूं। मैं आप लोगों का भाई हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप भी मुझसे प्यार कीजिए। ओके अस्सलाम वालेकुम।